होम्योपैथिक चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल के माध्यम से हम जानेंगे डॉक्टर नवीन चंद्र पांडे द्वारा विभिन्न बीमारियों का होम्योपैथिक पद्धति से उपचार। नमस्कार दोस्तों, हमारे साहस होम्योपैथिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर एनसी पांडे, नवीन चंद्र पांडे होम्योपैथिक पद्धति से समस्याओं का समाधान बताने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूँ। जो आज का टॉपिक है, लेफ्ट किडनी की पथरी। एक तो लेफ्ट किडनी की पथरी हो रही है, होती क्यों है, सबसे पहले ये जानेंगे कि कैल्शियम ऑक्सलेट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने की वजह से या कैल्शियम ऑक्सलेट वाला पानी ज़्यादा पीने की वजह से ये पथरियाँ होने लगती हैं। राइट किडनी पर इससे पहले मैंने डाला हुआ है, आप लोगों के बहुत कमेंट्स आए, एक आप दो हमारे व्यूअर्स से कमेंट भी आए थे कि लेफ्ट किडनी पर भी बना वीडियो बनाइए, तो बना रहा हूँ। चलिए, आपकी भी कुछ समस्या है, कोई भी वीडियो बनाना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि मैं उस चीज़ का वीडियो आप लोगों तक बना के पेश करूं। चलिए, बिना देरी करे हुए बताने जा रहा हूं कि उसमें क्या नहीं खाना चाहिए, बाकी सब खाना है, जो नहीं खाना है वो बता रहा हूं केवल। एक तो कैल्शियम ऑक्सलेट वाली चीज़ें, मैगजीन से मैगजीन पानी पीजिए, नींबू पानी का सेवन करिए, काली नींबू का पानी का सेवन करिए काल नींबू मिला के, और इसके अलावा दूध, मैं कहूँगा कि दूध पीना ही है तो मलाई उतारा वाले, अगर दही खाना है तो मलाई उतारा ले, छाछ का सेवन कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। जो नहीं खाना है वो बता रहा हूँ आपको, प्याज टमाटर कद्दू बैंगन पालक और इसके अलावा अमरूद, चिकना युक्त पदार्थ, चिकन मटन और साथ में साबुत दालों का प्रयोग कम से कम करें या बिल्कुल भी ना लें तो बहुत से रिजल्ट मिलेंगे। और थोड़ी सी होम्योपैथ दवाई बताने जा रहा हूँ जो लेने से पूर्ण रूप से पथरी निकल के बाहर चली जाएगी। और साथ में एक चीज़ जरूर कहूँगा कि पानी का सेवन मैक्सिमम से मैक्सिमम पानी का सेवन करिए ताकि पथरी तुरंत ही बाहर निकल जाएगी। मैं यहाँ से कहीं पत्थर है तो उसमें चोट मारी और अब मैंने दवाई की से इसमें चोट मारी और आपने पानी डाल दिया उसमें घुलते हुए पेशाब लैट्रिन के रास्ते बाहर निकल जाएगी पानी, मैक्सिमम पानी। जब भी एक ही हो तो कहाँ गए हैं तो एक ही याद आनी चाहिए कि अभी बाथरूम गए हुए हैं, पांडे जी कहाँ गए हैं तो टॉयलेट गए हुए हैं, कम से कम 20 बार कम से कम बाथरूम आए खुल के। चलिए, बिना देरी करे हुए दवाई नोट करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है कैल्केरा रेनलिस। कैल्केरा रेनलिस को 30 पावर में या 6 पावर ले लीजिएगा, 2 बूंदें सवेरे दिन में शाम को। इसी के साथ में अगली मेडिसिन है बर्बरी बर्गीस क्यू को 15 बूंदें 3 बार से लेकर 6 बार तक प्रयोग करिएगा। 6 बार ले लेंगे बहुत जल्द अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, 15 बूंद सवेरे, 15 बूंद दिन में, 15 बूंद शाम को, इसके अलावा एक एक टाइम बीच में और ले लेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ में अगली मेडिसिन है कैंथिस क्यू। अगर बर्निंग भी हो रही है तो वो भी दूर हो जाएगी इससे, अगर पेन हो रहा है तो पेन भी दूर हो जाएगा। कैंथिस क्यू को भी 10 से 15 बूंदें 3 से लेकर 6 बार तक प्रयोग करेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहले कैल्केरा रेनलिस को 2 से 5 बूंद सुबह दिन में शाम को, और बर्बरी बर्गीस 15 बूंदें 3 बार से लेकर 6 बार तक, कैंथिस को 10 से 15 बूंदें 3 से लेकर 6 बार तक प्रयोग करने से पूर्ण रूप से पथरी निकल जाएगी। लगभग 1 महीने तक ले लीजिए, 1 महीने 1.5 महीने पूर्ण रूप से पथरी बाहर निकल जाएगी। नए वीडियो के साथ में काफी मिलता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार।